अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ कामरान अंसारी। आप देख रहे हैं हुसामी न्यूज़। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसा कि आप हज़रात सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है, कारोबार मुतासिर है, लोग बहुत मर रहे हैं इस बीमारी की वजह से, इस वबा की वजह से। ये असल में गौर करने की बात ये है कि अल्लाह जो चाहे वो करते हैं। ये भी जो कोरोना वायरस है, ये अल्लाह ही की मर्ज़ी से फैला हुआ है। इसलिए हमको ये चाहिए कि असल जो मामला है वो अल्लाह के हाथ में है, तो हम अल्लाह से रुजू होना नहायत ज़रूरी है। आज इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम लोगों को, चाहे वो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, सबको ये बताना चाहता हूँ एक वाक़े के ज़रिए से, जिसको अल्लाह ने क़ुरान पाक में बयान फरमाया है। वो वाक़या है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बेजार हो गए, तबलीग करते हुए थक गए, कौम ईमान नहीं लाई, तो आखिर में गुस्से में आकर वो कौम से निकल गए और आपने फरमा दिया कि 3 दिन में तुम्हारे पास अजाब आ जाएगा, और निकल गए वहाँ से। अब कौम के लोग देखे, जब तीसरा दिन आया तो अजाब के आसार नमूदार होने लगे। जब उन लोगों को होश आया, उस ज़माने का जो भी वहाँ पर हुक्मरान था उसने कहा कि जाओ यूनुस को बुलाओ, कहाँ है बुला के लेकर आओ। जाके ढूंढे तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए थे। तो उस बादशाह ने या जो भी वहाँ का हुक्मरान था उसने कहा कि खैर ठीक है, जब यूनुस नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर यूनुस का खुदा तो है, चलो जाएंगे हम मैदान में, हम सब मिलकर उनसे अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह से जो है रहम की तलब करेंगे। उम्मीद कर है कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएगा। हुआ क्या, पूरे कौम के लोग एक मैदान में जमा हो गए और वहाँ पर सब मिलकर औरतें मर्द बच्चे वगैरह सब और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ करने लगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हम उसके अजाब को जो है हटा दिए। तो मालूम यह हुआ कि इज्तिमाई हैसियत से अगर अल्लाह से रुजू हो जाएं और अल्लाह से दुआ करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह की रहमत आ जाती है। तो मैं आपके सामने ये वाक़या इसलिए रखा हूँ कि मेरे जहन में एक बात ये आई है कि हमारी हुकूमतें, चाहे वो हमारे तेलंगाना स्टेट की हो या और दूसरे स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर इस पर गौर करें मेरी गुफ्तगू पर और मुसलमानों को ये इजाज़त दें कि वो अपने यानी जो भी तहफ़ के काम है, जैसा मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस को कायम रखना, वो करते हुए सारे साथ के सारे मुसलमान एक मैदान में जमा होकर अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये कोरोना वायरस से अल्लाह ताला नजात अता फरमाए, तो मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान से ये वबा ख़त्म हो जाएगी। अगर 8 दिन के अंदर ऐसा करें और 8 दिन के अंदर फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरा ये चैलेंज है कि आप मेरा नाम बदल दे सकते हैं। मुझे ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का फजल होगा। ये तमाम असबाब हम कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग उसमें मर भी रहे हैं और फिर एहतियाती तदाबीर करने के बावजूद भी ये फैल रहा है। तो हमको सोचना चाहिए कि इसका सबब क्या है, असल किसको, कहाँ से ये चीज़ पर कंट्रोल हो सकता है। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट की, हमारे कोई भी और दूसरे स्टेट की हुकूमतें हैं, उनसे ये अपील है कि अगर आपको ये मंजूर है कि ये वायरस हमारे हिंदुस्तान से दफा हो जाए, तो ये इंतज़ाम कीजिए, मुसलमानों को इजाज़त दीजिए, वो तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए बड़े मैदान में जमा होकर हम इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे
और अल्लाह ताला बराबर हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा, ये मेरा यकीन है। और जो दुआ करेंगे लोग वो भी ये तमाम भी यकीन के साथ करेंगे तो हमारे लिए ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब आप देखिए असल काम नहीं करने की वजह से क्या हो रहा, सनतें तबाह हो गए, मजदूर परेशान हो गए, गरीब लोग परेशान हो गए, माशी हैसियत से काफ़ी मुश्किल में हम पड़ गए हैं। ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं मगर असल काम नहीं कर रहे हैं। असल काम यही है कि अल्लाह से रुजू होना है। तो हम लोगों को इजाज़त दो, मुसलमानों को, हम बराबर जाएंगे और इंशाअल्लाह हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। ये मेरी अपील है हुकूमतों से। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट कब इस पर गौर करती नहीं मालूम, स्टेट गवर्नमेंट के हमारे CM से मेरी अपील है कि आप यहाँ से स्टार्ट लीजिए और यहाँ के मुसलमानों को जो हैदराबाद के हैं उनको एक जगह जमा होने की इजाज़त दीजिए और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह 8 दिन के अंदर आप देख लेंगे कि हमारे तेलंगाना स्टेट से ये बला ख़त्म हो जाएगी। ये मेरा ये खान है, आप हजरात इस पर तवज्जो कीजिए और अगर हुकूमत इसकी इजाज़त दे तो मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो एक दिन जो भी मुकर्रर है उस दिन आए और आकर अल्लाह की जनाब में गिड़गिड़ा कर दुआ करें और यकीन के साथ करें इंशाअल्लाह ताला वो बराबर पूरा होगा। मैं इन मुख्तसर से अपने ख्यालात के बाद हुकूमतों से फिर गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस मामले पर मेरे इस जहन में जो ख्याल आया है उसको समझें और उसको जो है मुकम्मल करने की कोशिश करें, एक दिन मुकर्रर कीजिए। और इसमें परेशानी ये नहीं कुछ भी नहीं है, तमाम मास्क लगा लेंगे, सोशल जो डिस्टेंस है उसको फॉलो करेंगे, करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम ये काम करेंगे। हमारे मुल्क के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। वमा अलैना इल्लल बलाग़।